कैसे हैं आप सभी लोग। अल्मोड़ा की निशा की तरफ से आपको सबसे पहले नमस्ते प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो मैं कुछ दिनों से थोड़ा सा कोल्ड वगैरह से भी परेशान थी, तो मैं नए नए वीडियोस वगैरह नहीं ला पा रही थी आप लोग के लिए, ना शॉर्ट्स बना पा रही थी। तो कल था 2 अप्रैल, मेरा बर्थडे था, तो उस हम लोग घूमने के लिए बाहर चले गए। तो कल भी मैं इसलिए पूरा दिन बिजी रही। नाइट पे हम लोग 9:30 तक घर पहुँचे, तो फिर पूरा टाइम बहुत टायर्ड हो गया था। एक तो बर्थडे था, फिर थोड़ा सा सोचा इन्जॉय कर लेते हैं, क्योंकि वीडियोस के चक्कर में कभी कभी ना ऐसा होता है कि मैं इन्जॉय नहीं कर पाती, वीडियो बनाने के चक्कर में वो चीज़ को देख नहीं पाती हूँ जिसके लिए मैं स्पेशली वहाँ गई हूँ। तो हाँ, मैंने व्लॉग शूट किया है। कुतुब मीनार सबसे पहले मैं गई थी, उसके बाद वहाँ से कुतुब मीनार बहुत अच्छे से विजिट किया, बहुत बहुत अच्छा लगा। एक हिस्टोरिकल प्लेस है, आप लोग भी जाइएगा। मैंने ब्लॉग शूट किया है, आप ब्लॉग देखिएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स कीजिएगा। और उसके बाद फिर मैं वहाँ से चले गए होंगे मजनू का टीला मतलब तिब्बती मार्केट। नाम है मजनू का टीला, ऐसा कुछ नहीं है मजनू का टीला, पर यह है कि हाँ तिब्बती मार्केट है वहाँ पर। वहाँ पर आपको ना जो तिब्बत के लोग की कॉस्ट्यूम होती है वो मिल जाएंगी, और नॉन वेज वालों के लिए तो बहुत सारी वैरायटी है खाने के लिए। वेजिटेरियंस के लिए भी अच्छा है, पर नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत सारी खाने की थाई की रेसिपी मिल जाएंगी। कल मैंने ट्राई भी करी एक थाई रेसिपी, तो उसका भी मैं छोटा सा व्लॉग बनाया है, आप लोग देखिएगा उसे भी। आप लोग अगर दिल्ली में है तो आप ज़रूर विजिट करिएगा। ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है, आप कितना भी घूम लो, कितना भी घूम लो, 1 घंटे में घूम फिर के खा पी के वापस आ जाओगे। तो मैंने वो भी शूट किया है आप लोग के लिए। तो कल मैं बता रही थी ना मेरा बर्थडे था, हाँ तो कल था मेरा बर्थडे, मुझे मिला एक स्पेशल गिफ्ट जो मैं आपके संग अभी वीडियो में दिखाती हूँ। मुझे मिली है, क्या होगा नहीं पता, मैं भी गैस नहीं कर पाई थी क्या है। तो मैं बहुत दिन से चाह रही थी कि मैं अपने लिए परचेस करूँ, पर मुझे पता नहीं था कि मुझे सरप्राइज़ मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपके संग शेयर करती हूँ। कल मैंने इसको वेयर भी किया था, ये है स्मार्ट वॉच तो मुझे कल मिली थी स्मार्ट वॉच गिफ्ट में। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे एक स्मार्ट वॉच लेनी है, तो शायद इन लोगों ने कभी मुझे, मैंने इनसे डिस्कस किया होगा कि मुझे भी स्मार्ट वॉच चाहिए, तो मेरे लिए एक स्मार्ट वॉच ऑर्डर की जो कि मुझे बहुत पसंद आई है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, कलर भी बहुत सुंदर सा है, कोई भी ड्रेस वगैरह में अच्छा लगेगा। अब आप मेरी फैमिली मेंबर की तरह हैं, तो आपसे सब कुछ शेयर करना भी बनता है ना। तो देखिए, ये है मेरी स्मार्ट वॉच जो मुझे कल मिली, तो शायद इसमें हाँ बैटरी है, ऐसा नहीं है। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मुझे लेनी है, तो फाइनली मुझे गिफ्ट के तौर पे स्मार्ट वॉच मिल गई है। मैंने वेयर करके वीडियोस बनाई है, आप देखिएगा कि पहनने के बाद कैसी लग रही, बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आई। थैंक यू गिफ्ट देने वाले के लिए। तो ये है इसका चार्जिंग पॉइंट, ये मैग्नेट चार्जिंग पॉइंट है। तो इसके मैं आपको बाद में रिव्यूज़ दिखाऊंगी कि ये कैसा है, क्या है, मैंने इन्होंने कैसे परचेज़ किया। अब गिफ्ट है तो मैं इसके प्राइस वगैरह तो मुझे नहीं पता, हम मैं बोलूँगी कि मुझे बताएं, मैं अपने फ्रेंड्स के संग ये वीडियो शेयर करना चाहती हूँ। बहुत कल का दिन ऐसा रहा मेरा, मैंने आपको शेयर किया, बहुत इंजॉय किया, पर बहुत टायर्ड हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा। बताऊँगी कुतुब मीनार पे और मजनू के टीले पे, तो उसमें बताऊँगी मैं आपको कैसे वहाँ पे जाएँ, क्या करें, कैसे ऑनलाइन टिकट बुक करना है, ऑफलाइन टिकट बुक करना है, टाइमिंग वगैरह मैं आपके संग सब कुछ शेयर करूँगी मेरे ब्लॉग्स में। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दीजिए। आपके प्यार और सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो प्लीज़ अल्मोड़ा के निशा को खूब सारा प्यार दीजिए, और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।